पुलिस परीक्षा लीक होने के मामले में देख सकते हैं बच्चों का आक्रोश। जी हाँ, पूरा मामला मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र का है, जहाँ पे देख सकते हैं प्रशासन के सामने किस तरह से जो पुलिस परीक्षा में धांधली हुई है उसी को लेकर क्या कुछ इन लोगों का कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। ये जो लोग हैं, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो 17 और 18 के डेट में जो एग्जाम हुआ, पुलिस का जो विज्ञापन जो आया, किसी तरह से उसमें डेट बढ़ी, डेट में जो है कि आज में छूट मिली। हम लोग उन्हें सरकार का बहुत बड़ा अभिवादन करते हैं, लेकिन जो एग्जाम के समय जो पेपर आउट हुआ, कितने बच्चों के जो है कि आत्मसम्मान थे और जो है कि उनका जो माता पिता का जो सपना था, उस सपना को चकनाचूर करने का काम किया पुलिस, पेपर को जो लीक कराने का जो काम किया जिन लोगों ने, वो बहुत कुकर्मी हो गए। आप किसकी कमियां मानते हैं, मतलब किसको दोषी करा रहे हैं? देखिए, दोषी तो जो इस पेपर को जो लीक कराने वाले लोग हैं, जो अब एक तरह से कह दिया जाए कि वो हर पेपर में उनका धांधली चलता होगा, दोषी तो वही होगा। हम लोग का मांग है कि पेपर लीक करा करके नए डेट घोषित करके सरकार जो री एग्जाम कराए, ताकि जो निष्पक्ष भाव से परीक्षा हो और जिसमें जो पढ़ने वाले लड़के हो उनको मांग है कि वो एग्जाम दोबारा कराया जाए और जिले वाइज सेंटर ना बना कर यूपीपी का कराया जाए एग्जाम, जिले वाइज के क्या मतलब है, जिले वाइज सेंटर ना बनाया जाए। इससे बहुत धांधली हो रही है, जिससे कि बढ़ रहा है जो संबंधित सभी लोग हर कॉलेज में संबंधित है। जी सर, हम लोग अपने अपने जिले वाइज नहीं होने देना चाह रहे हैं, और जल्दी जल्दी एग्जाम सिटी जो है, इसलिए सिटी करना चाहते हैं कि हर एक कॉलेज में जो अदर अपने जिले में पढ़ा है कि उसमें हर एक कॉलेज में सभी लोग संबंधित है, किसी ना किसी दुकान लगा देते हैं और जो लिख जा रहा है सभी संबंधित, इसलिए हम लोग अलग सिटी में कराना चाहेंगे कि उससे सही संबंधित नहीं रहेगा और सही से पेपर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के संबंध में आज छात्रों द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें दीपक चौहान, रमेश चौहान इत्यादि समस्त अभ्यर्थियों की तरफ से प्रार्थना पत्र आया है, जिसको उच्च अधिकारियों को अवगत कराते हुए प्रशासन के संज्ञान में लिया जाएगा।